वहीं इस बैठक में सूबे के मंत्रियों समेत अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि स्वैच्छिक संगठनों एवं सिविल सोसाइटीज के प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा के दौरान कई महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं, जिन्हें बजट में शामिल करने की हर संभव कोशिश की जाएगी। जब सुझाव लिए जा रहे थे, आज बड़ी बात ये थी, अधिकतर एनजीओज ने आगे बढ़कर सरकार के जो अब तक के काम थे उनका धन्यवाद देते हुए सारे सुझाव दिए। और जो निरोगी राजस्थान का नारा राजस्थान की सरकार ने दिया, और जिस तरह का काम मेडिकल में हो रहा है, जिस तरह का काम सारे डिपार्टमेंटों में हो रहा है, परिवहन में हो रहा है, सबको लेकर अपने अपने सुझाव उन्होंने दिए। हर सेक्टर की, हर विभाग की, और रोजगार पर भी बात हुई। जो कानून बनते हैं उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो सभी जो पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेही कानून की बात हुई, ऐसे काफ़ी अच्छे सुझाव थे जो माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष जो आए। तो सरकार भी हमारी प्रतिबद्ध है, प्राथमिकता है कि जो भी चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे पीडीएस सिस्टम हो, चाहे हमारा कंज्यूमर अफेयर्स हो, सभी पे हम पूरी पारदर्शिता से काम करेंगे।